जो अगर मेरे बारे में बुरे भी बोले हो तो कहीं ना कहीं बुराई बोल के भी दुनिया को बता दिया कि संघर्ष नाम की कोई चीज़ आई है, संघर्ष टू नाम की कोई चीज़ आई है, तो मेरे लिए बुरे नहीं है, वो भी सही है कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हम सबको, मैं एक सोचे कि सब लोग हमारा हमें प्यार करें, ये संभव है नहीं। जिनको बुरा बोलना है वो बुरा आपको बोले, क्योंकि उनके मन में ही है कि मुझे बुरा बोलना है। तो देखिए, दो चीज़ें होती है, कुरान और कुरान एक साथ रहता है, कभी लड़ता नहीं, और जो पढ़ता है वो कभी लड़ता नहीं, एक जगह पुरान और कुरान को रख दीजिए तो उसके एक भी पन्ना तक टकराते नहीं है, वो ऐसे ही रहे, ऐसे वो रखे रहे, क्योंकि वो अपनी अपनी गरिमा को जानते हैं कि कुरान का गरिमा क्या है और कुरान की गरिमा क्या है, और जो पढ़ता है उसकी गहराई तक गया है वो कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि ना कभी कुरान किसी को लड़ने के लिए बोलता है, ना कभी कुरान किसी को लड़ने के लिए बोलता है, सच्चाई और बुराई के लिए लड़ने की बातें होती है। लेकिन जो उसको नहीं पढ़ता है वही सबसे ज्यादा ज्ञानी हो जाता है। और दुनिया में एक चीज तो है कि आप अगर कभी जाइएगा ना, कहीं बहुत ऊंचे पे जाइएगा ना, तो उतना ऊंचा जाने की क्षमता तो उसकी नहीं है जो आपकी बुराई कर रहा है, उसकी क्षमता इतनी है जो आपको 10 गाली दे सकता है। तो वो अब उसके पीछे के संघर्ष वो कभी देखा नहीं ना, संघर्ष करके कुछ तो बड़ा हुआ ही नहीं है। हाँ, उतना आप ऊंचे हैं जो उसको गाली देने के भी काम आ पा रहा है। तो ये सब चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग तो आपके जीवन में मिलते ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे अगर ऐसी झोपड़ी है तो इसी बगल में एक अलग कलर की झोपड़ियाँ हैं, जबकि दोनों झोपड़ी ही है, लेकिन सबके कलर अलग अलग हैं, सबके बनाने के तरीका अलग अलग है, तो आप किसी झोपड़ी को गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपके मन में अच्छाई है तो आप किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते, हमेशा आप अच्छा ही बोलोगे। तो आप मान लीजिए कि वो दिल से भी बुरा है और नियत से भी बुरा है, और उसका कभी भला हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरों के लिए जब अच्छा नहीं सोच सकता है तो उसके लिए कौन अच्छा सोचेगा। तो ये चीजें हैं, बाकी कोई बात नहीं। क्या बात, इनके साथ काम किया तभी तो ये गॉडफादर बने ना। कैसा लगा है? देखिए, गॉडफादर का मतलब होता है पिता, मतलब साया, और गॉडफादर मतलब होता है कि जो अपना नहीं है, भगवान है, और वो मतलब हमें हर हाल में हमारा साया बना है। सर के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ गॉडफादर, अभी बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, पर सर के लिए इसलिए गॉडफादर ये शब्द इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत बड़ा मतलब है इसका। वो इसलिए है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने लिटरली अप्रिसिएशन के लिए मैं रोई हूँ, मैं बहुत वैसा हुआ कि कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही, कोई देख ही नहीं रहा, किसी को मतलब ही नहीं है। तो मैंने भी अपने काम में फिर चीज़ें उतना, मतलब कहते हैं ना कि पैशन है, मेरे पैशन को कभी किसी ने समझा ही नहीं। यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हम पैशन के लिए आए थे, वो काम ही नहीं हो रहा था, तो हम भी काम कर रहे थे। लेकिन फिर सर से मिले तो सर में वो जज्बा देखा, मैं हीरो सारी और एक दो को छोड़ करके सबके साथ ही काम किया मैंने, पर मैंने सब में, अब बाकियों को बुरा नहीं लगना चाहिए, प्लीज आप लोग बुरा मत मानना, पर ये आपको सीखना चाहिए सर से कि देखिए, किसी से सीखना, किसी से कुछ सीखना ये बुरी बात नहीं। मैं भी सीखती हूँ सर से बहुत सारी, रोज चीजें सीखती हूँ, और मुझे लगता है सुबह में सीखती हूँ, शाम में भूल जाती हूँ, और गुस्सा भी होती हूँ कि मैं कुछ सीख नहीं पा रही, बट सीखती हूँ। सीखना चाहिए सभी हीरोज को, अब जैसे हम हीरोइनों से सीखेंगे या जो भी है, तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि काम के प्रति ईमानदार बहुत होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये हमारी रोजी रोटी, सभी बोल रहे हैं जैसे, तो हमें अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए हमने क्या किया, हमने तो बड़ा कर रही है इंडस्ट्री, हमने अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए क्या किया, कल को कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब आपके पास रहे, वैसा कुछ काम करना चाहिए। तो इसलिए अब सर वो चीजें करते हैं, और सर ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने जो किसी ने नहीं देखा मेरी मेहनत, और वो ये चीजें बोलते वक्त मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे, मैं नहीं देखा किसी ने, तो वो चीज अप्रिशिएट की सर ने, इसके लिए मैं गॉडफादर होती, और मुझे आज इतनी बड़ी फिल्म गॉडफादर जो हम कर रहे हैं वो अ स्टेप अहेड दैन संघर्ष टू है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान को अपने पिछले काम से ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, और बहुत अच्छी फिल्म है ये। मैं ऐसे एक नॉर्मल सी चीज कहूँ तो जिंदगी है बस, जो हर इंसान की जिंदगी होती है जिंदगी है, बस किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, किसी में कम होता है, तो पूरी जिंदगी की कहानी है, इसलिए हम जवान से बुढ़ा गए हैं। क्या बात है भैया, ज्यादा देर नहीं, धूप बहुत लग रही है, बहुत देर से खड़े हैं, तो थैंक यू सो मच सर, और यही हमारी विश है कि जैसा थे, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने अपना टाइम दिया सेट से निकल के यहाँ पर इतनी धूप में, हम और भी सब लोगों से मिलेंगे और आपको मिलाते रहेंगे। थैंक यू सर।